एक बे त्रण अने चार पांचमा दिवस एटले के सत्तर तारीखना रोज तो हैदराबाद सरेन्डर थई गयुं हतुं। हैदराबादनी ज्यारे आपणे वात करता होईए त्यारे मने एक प्रसंग खास कहेवानी इच्छा थाय छे कि सरदार साहेबे अमदावाद म्युनिसिपालिटीना प्रमुख तरीके 13 एप्रिल 1928 रोज राजीनामुं आप्युं। जे व्यक्तिने कारणे एमने राजीनामुं आपवा माटे फरज पड़ी हती ए हता ईश्वरलाल भगत। चीफ ऑफिसरनो निमणूकनो सवाल हतो, सरदार इच्छता हता कि अन्य व्यक्ति चीफ ऑफिसर तरीके आवे। अन्य व्यक्ति एटले मोरारजी भाई देसाई ने सरदार इच्छता हता कि अमदावाद म्युनिसिपालिटीना तेओ चीफ ऑफिसर बने, परंतु ए जमानाना म्युनिसिपालिटीना केटलाक स्थापित हित धरावता काउंसिलरोए संगठन कर्युं अने सांठगांठ करीने ईश्वरलालने चीफ ऑफिसर तरीके नीमी दीधा। एटले बीजी क्षणे सरदारे राजीनामुं आपी दीधुं अने बारडोलीनी तरफ प्रस्थान करी दीधुं। आ घटनाना बराबर 20 वर्ष पछी सरदारे ईश्वरलाल भगतने संदेशो कहेवडाव्यो कि ईश्वरलाल, देशने अत्यारे तमारी जरूरत हैदराबादमां छे, भाई मुंशीनी मददे पहोंची जाओ। तो आप समझी शको छो कि सरदार केटला दीर्घद्रष्टा हता कि राजनीतिमां मतभेद होई शके छे, वैचारिक मतभेद होई शके छे, पण सरदार जाणता हता कि अहींया हैदराबादमां तमाम रीते सक्षम कोई अमलदार जो वहीवटकर्ता तरीके जई शकता होय तो ए छे ईश्वरलाल भगत। अहींया सरदारे क्यांय मनभेद राख्यो नहीं अने मोटा मने ईश्वरलालने पत्र लख्यो। ईश्वरलाल गया के न गया एनी बहु माहिती नथी, पण खरेखर सरदारे ईश्वरलालने पसंद कर्या हता। हवे आपणे आगळ वधीए तो एक अटपटो प्रश्न सौराष्ट्रनी अंदर जूनागढ़नो हतो। आ जूनागढ़ना प्रश्नने आपणे जोईशुं, एने माटे पण आपणी पासे एक वीडियो क्लिपिंग छे, ए चोक्कस आपणे जोईशुं के केवी रीते सरदारे आ सौराष्ट्र संघनी रचना करी अने जूनागढ़नो प्रश्न सॉल्व कर्यो। काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है, जहाँ पुराने रंग ढंग के साथ साथ नई शैली की अट्टालिकाएं भी बनी हुई हैं। सुंदर महल, बड़े बड़े तालाब, बाग बगीचे और विशाल मंदिरों ने नगर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रमुख स्थानों पर उन लोगों की मूर्तियां स्थापित हैं जिन्होंने जामनगर का गौरव बढ़ाया है। हिंद सरकार के प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। सरदार पटेल 11:30 बजे हवाई जहाज से जामनगर पहुंचे। हवाई मैदान पर राज प्रमुख नावानगर के जाम साहेब, उप प्रमुख महाराज साहेब भावनगर, श्री UN घेबर, बंबई सरकार के गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई और नगर के दूसरे प्रमुख सज्जनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत किया और उन्हें हार पहनाए। हवाई मैदान से चलने के पहले हिंद सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैनिकों की सलामी ली। दरबार भवन के बाहर सड़कों और खुले स्थानों में अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। इनमें भावनगर के महाराजा साहेब, पालिताना के महाराजा साहेब, भ्राजंद्रा के महाराजा साहेब और कोटड़ा संघानी के ठाकुर साहेब भी शामिल थे। रियासत के प्रधानमंत्री श्री UN घेबर और दूसरे मंत्रियों ने भी इसी प्रकार राजनिष्ठा की शपथ ली। महाराजा साहेब जामनगर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने भारत सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। जाम साहेब ने इस शुभ अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि आज 5 राजपूत राजाओं ने हिंद सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है। वे अपने इतिहास और परंपरा को पूरी तरह समझते हैं, इसलिए आप लोगों को इनकी शपथ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। राज प्रमुख होने के नाते मैं संयुक्त राज्य के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूंगा। अंत में सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि आज से राजकीय कामों में राजा और प्रजा का बराबर का अधिकार है।
इसलिए प्रजा के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा है। सौराष्ट्र के पुनर्जन्म के साथ ही यहाँ के निवासियों का कर्तव्य है कि वे बापू के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर इस नवीन सौराष्ट्र को सदा के लिए फलता फूलता बनाएं। सरदार पटेल दरबार भवन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जनता को दर्शन देने के लिए बारजे पर पधारे। गांधी चौक में हजारों नर नारी सरदार पटेल के दर्शनों के लिए जमा थे। उस समय जनता के सामने भाषण में सरदार पटेल ने राजा और प्रजा के नए संबंध पर बोलते हुए कहा कि आज से प्रजा पर जिम्मेदारी का बोझ जो आया है उसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए आप लोग बापू के उपदेशों को हमेशा अपने सामने रखें। दूसरे दिन बारादरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहेब और दूसरे राजाओं से भेंट की। इस अवसर पर वहां के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे। अंत में सरदार पटेल और राज प्रमुख दरबार भवन में पधारे, जहां नगर के प्रमुख निवासियों ने नावानगर के जाम साहेब को एक सुंदर मंजूषा भेंट किया। जाम साहेब ने नगरवासियों के प्रेम और श्रद्धा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहेब और काठियावाड़ के राजाओं ने भी बापू के बतलाए हुए मार्ग पर चलना स्वीकार किया है। मुझे पूरी आशा है कि एक बार फिर से राजाओं और प्रजा की पंचायतों में वो संबंध स्थापित हो जाएगा जो पुराने युग में था। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। चौदह मार्च 1948 का दिन भारतीय जहाज बनाने वाले उद्योग धंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इस जलयान को समुद्र में उतारने के लिए विजयपट्टनम पधारे। सिंधिया कंपनी के संचालक गण तथा नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पंडित जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। नौसेना की सलामी लेने के बाद पंडित जी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की ओर चल पड़े। इस कंपनी का बनाया हुआ जलूषा नामक जहाज समुद्र में उतरने की प्रतीक्षा में खड़ा है। इस समारोह को देखने के लिए जनता की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। आज का दिन उन्हें उन प्राचीन भारतीय जहाजों की याद दिला रहा था जिन्होंने दूर दूर के देशों से व्यापार करके प्राचीन भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाया था। पंडित जी श्री बालचंद हीराचंद के साथ जलावतरण विधि को पूरा करने के लिए मंडप में पधारे। पंडितों ने जहाज को समुद्र में उतारने के समय वैदिक मंत्रों का पढ़ना आरंभ किया। श्री बालचंद हीराचंद ने पंडित जी से जहाज के जलावतरण विधि को पूरा करने की प्रार्थना की। साहब एक बीजो एक प्रश्न उद्भवे छे के मोटा भागे आज जोड़ाण सौराष्ट्रना के जूनागढ़ना जोड़ाणने भारत साथ एक क्रांति मानवामां आवे छे। आ क्रांतिना विभावनामां शब्द बेसे छे के आने फक्त जोड़ाण कही शकाय, क्रांति कहेवाय के नहीं, अंगे थोड़ो प्रकाश आप फेंकी शको तो। सरदार साहेबे जे बात ए जमानामां प्रस्तुत करी हती ए आजे पण एटली ज प्रस्तुत छे। सरदारे जूनागढ़ना नवाब महाबत खान त्रीजाने स्पष्ट शब्दोमां कह्यो के तमे जे रीतना कजोड़ू करवानी कोशिश करी रहा छो कि पाकिस्तान तो जूनागढ़ थी लगभग 701 किलोमीटर दूर आवेलू छे, तेम छता एने मर्ज करवानी एमने चेष्टा करी हती। अने नवाबना मुख्य सलाहकार ए जमानाना जे एमना दीवान हता भुट्टो, एमने शाहनवाज भुट्टो जे जुल्फिकार अली भुट्टोना पिता हता, एमने લોકોની ઈચ્છા લોકો શું ઈચ્છે છે, મોટા ભાગની એ સમયે જૂનાગઢની પ્રજા લગભગ 90% ઉપર તો હિન્દુ લોકો હતા, તેમ છતાં પ્રજાની ઈચ્છા કે એ જમાનાના લોકો શું ઈચ્છતા હતા એને જાણ્યા સમજ્યા વિના એમણે મર્જરની વાત કરી હતી। સરદારે કહ્યું કે આ એટલું ખતરનાક છે કારણ જે સામાજિક તાણાવાણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર હતા એ તાણાવાણા આ તમારા આવા દુષ્પ્રચારને કારણે દુષ્પ્રયત્નોને કારણે કેવા લાંબા ગાળે ઘાતક પુરવાર થશે અને એની સામે જે જનાક્રોશ ભભૂક્યો હતો અને જે રીતના મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો આ શાસકોની સામે પડ્યા હતા, આરજી હકુમતની રચના થઈ હતી પણ આરજી
હકુમતના જે મુખ્ય જે ચાલક બળ હતા એ ત્યાંનો જન સમાજ હતો. જે રીતના લાખોની સંખ્યાની અંદર સ્વયંભૂ રીતે લોકો આ આ એક આંદોલનના સ્વરૂપમાં બહાર આવ્યા હતા અને એમણે ત્યાંના શાસકોને એવા હંફાવી દીધા હતા કે એમને દેશ છોડીને ભાગી જવું પડ્યો હતો, જૂનાગઢના નવાબને પણ નીકળી જવું પડ્યો હતો અને ખુદ શાહનવાઝ ભુટ્ટોને વિનંતી કરવી પડતી કે ભાઈ ભારતની સરકાર આવે અને એના પર જૂનાગઢ પર અધિકાર કરે. અને જે રીતના જે જનમેદનીએ ભારતીય સંઘ સાથે ભળવા માટે લગભગ 99% ઉપર લોકોએ મતદાન કર્યું હતું, આપ આ ચિત્ર જોશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે આ સ્લાઇડમાં શું કહેવા માંગે છે. આ જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજ છે, એની અંદર જ્યારે આ લોકોનો લોકમત લેવામાં આવ્યો હતો ત્યારે લગભગ 99% લોકોએ ભારતીય સંઘ સાથે વિલીનીકરણની તરફેણ કરી હતી. 89 વોટ અલગ ગયા હતા. હા, અને માત્ર 0.1% લોકો, 1% પણ નહીં, 0.1% લોકોએ જ પાકિસ્તાન સાથે જવાની તરફેણ કરી હતી. આપ જોશો જે રીતના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આ અરજી હકુમતના માધ્યમથી, પ્રજામંડળોના માધ્યમથી લોકોની અંદર જનચેતના જગાવવામાં બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. હું ચોક્કસ અંગત રીતે માનું છું કે આને લોકક્રાંતિ કહી શકાય, કારણ કે જે સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા અને એમણે સરકારને અને ત્યાંના શાસકોને ભાગી જવા માટે એક દબાણ ઊભું કર્યું હતું, એ માનું છું એ દબાણ લોકક્રાંતિમાં જ થતું હોય છે. અને જૂનાગઢની અંદર ખરેખર આપણે કહીએ કે આઝાદી પછી જે લોકોએ પોતાની તાકાત સરફરોશીની તમન્નાનો પરિચય જે આઝાદીના સંગ્રામમાં કર્યો હતો એ પરિચય અહીંયા આ આંદોલનમાં કર્યો હતો. અહીંયા કેટલાક દેશી રાજ્યોના વિલીનીકરણના દસ્તાવેજો આપ જોશો, પરંતુ એની સાથે સાથે એક એ જમાનાની જે કવિતા છે એ કવિતા પણ મારે આપની સમક્ષ મૂકવી જ પડે. ખૂબ મહત્ત્વની આ કવિતા છે, કવિ બાદનારાયણે લખેલી છે. સોરઠ અખંડ આઝાદ એક સૌરાષ્ટ્ર વીર જનતાની ટેક, અબાલ વૃદ્ધ ઉર બોલે એક જય સોમનાથ જય સોમનાથ. જાગે પ્રજા તણ મહાપ્રાણ આઝાદ હિન્દથી એકતાન, સૌરાષ્ટ્રમાં ન પાકિસ્તાન જય સોમનાથ જય સોમનાથ. ગિરનાર ગાછ તો સિંહનાથ, ગિરનાર ગાછ તો સિંહનાથ, સાગર તરંગ રવ ઘૂઘવાટ વનરાય ગુંજતી એક સાથ જય સોમનાથ જય સોમનાથ. નરસિંહ ભક્તની પુનિત ભૂમ ને જ્યાં અશોકની ધર્મભૂમ, ગાજે પ્રચંડ જૌન જન શૌર્ય જોમ જય સોમનાથ જય સોમનાથ. અમ યુદ્ધ ઘોષ જય સોમનાથ, શત્રુ પડકાર જય સોમનાથ જય સોમનાથ જય સોમનાથ. ખરેખર આ પ્રયાસ એક બહુ પ્રશંસનીય હતો. સરદારની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, દૂરંદેશી, મહેનત, આયોજન અને એક ટીમ સ્પિરિટથી એમણે આ કરીને બતાવ્યું હતું. આપણે જાણીએ છીએ કે સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારમાં કહે છે, યુનાનો મિસરો રૂમાં સબ મિટ ગયે જહાં સે, યુનાનો મિસરો રૂમાં સબ મિટ ગયે જહાં સે, અબ તક હૈ મગર બાકી નામો નિશા હમારા. કુછ બાત હૈ કી હસ્તી મિટતી નહીં હમારી, કંઈક તો છે આ ભૂમિની અંદર આ દેશના લોકોમાં, કુછ બાત હૈ કી હસ્તી મિટતી નહીં હમારી, અબ તક મગર હૈ દુશ્મન દોરે જમા હમારા, સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારા. સરસ વાત કરી છે સાહેબ. બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે તમે જોશો કે આજે તમે વાત કરી એ અહીંથી જે જૂનાગઢના રાજા પાકિસ્તાનમાં જાય છે, ત્યાં સેટલ થાય છે, ત્યાં છતાં પણ તેમનો ભારત પ્રત્યેનો પ્રેમ, હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યેનો પ્રેમ એમના એ જતો નથી. એ પોતાને ગાયના નામ પણ તમે જોશો તો એના બધા ગાયના નામ પણ જે ભારતીય સિસ્ટમ પ્રમાણે રાખ્યા છે, એટલે બતાવે છે કે આપણી સંસ્કૃતિ કેટલી એક છે. એ બીજા દેશમાં જવા છતાં પણ એની પોતાનો જે પ્રેમ છે દેશ પ્રત્યેનો હંમેશા એ સતત એને એના એને ચિત્તના અંદર ચોટેલું રાખે છે, એટલે મિત્રો બતાવે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિના જોડ કેટલા ઊંડા છે. તો આ સાથે મિત્રો આપણે આખો વિષય ત્રણે ત્રણ વિષયમાં કાદરી સાહેબે આપણે સમજાયા છે કઈ રીતે કાશ્મીર, હૈદરાબાદ અને જૂનાગઢનું ભારતીય સાથે વિલનીકરણ કર્યું, સરદાર પટેલની ભૂમિકા વિશે પ્રકાશ ફેંક્યો છે. તો આ સાથે આપણે આજનો આજ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. નમસ્તે.
સંધામ ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધામ.